हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये हैं ऑयल पेस्टल्स कलर्स। इसके अंदर 50 पेस्टल कलर्स होते हैं जो कि हम अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो आज तक इनको यूज़ नहीं किया, बट अब से करूँगा। एंड ये आपको आसपास की स्टेशनरीज पे मिल जाएंगे। एंड ये कैमलिन के हैं। सो गाइस, इस तरह का पैक होता है ये। इसके अंदर 50 कलर्स होते हैं एंड ये 150 का मिल गया मुझे तो मार्केट में। इसका MRP है 170, तो 150 का मिल गया मुझे ये। आपको भी मिल जाएगा आसपास। तो इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से इसमें 50 कलर्स होते हैं। एंड ये लार्ज एरियाज़ के लिए होते हैं। यूजुअली लार्ज एरियाज़ को शेड करना हो तो उसके लिए इनको यूज़ करते हैं हम। तो इस तरह से पैक है, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं इनसे पोर्ट्रेट भी ट्राई करूँगा एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग ट्राई करेंगे इनसे। एंड अभी तो बस मैं यही दिखा रहा हूँ कि इस तरह का पैक होता है, तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पेस्टल मैं ट्राई करता हूँ, इसमें से स्काई ब्लू ट्राई करते हैं। एंड साथ में मिक्सिंग के लिए डार्क ब्लू ट्राई करते हैं। एंड अब इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। देख लीजिए, इस तरह का बॉक्स होता है। अमेज़ोन पे तो काफ़ी महंगा है, 280 तक का मिलता है, बट मार्केट में मुझे ये 150 का मिल गया। तो अब इसको ट्राई करते हैं सिंपली पेपर के ऊपर। मेरे को तो पता भी नहीं है किस तरह से यूज़ करते हैं इनको, बट धीरे धीरे जब यूज़ करेंगे तब ऑब्ज़र्व करूँगा तो आ जाएगा। अब डार्क ब्लू एंड उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे टिश्यू पेपर का यूज़ करके। मैंने कई वीडियोस में देखा है कि टिश्यू पेपर से काफ़ी बढ़िया ब्लेंड होता है ये। तो अब टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं। ब्लेंड तो काफ़ी बढ़िया तरह से हो रहा है ये। बस अब ये देखना है कि इसके ऊपर से कलर पेंसिल्स यूज़ हो सकती हैं क्या। अगर कलर पेंसिल यूज़ हो सकती हैं तो काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी अच्छे से कलर पेंसिल अगर इसमें मिक्स हो गई तो काफ़ी बढ़िया ड्राइंग्स हम इससे बना सकते हैं। एंड ब्लेंड तो काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है ये, यू कैन सी दैट। इसके ऊपर से फिर से ट्राई करते हैं और डार्क करने के लिए। तो गाइस जी, काफ़ी बढ़िया डार्क हो रहा है जो कि कलर पेंसिल से बढ़िया है अगर हम लार्ज एरियाज़ के लिए इसको यूज़ करें तो। अब इसके ऊपर कलर पेंसिल्स ट्राई करके देखते हैं कि कलर पेंसिल्स इसके ऊपर शेड हो सकता है या नहीं हो सकता। दोनों टाइप की कलर पेंसिल्स यूज़ करते हैं, चीप भी एंड एक्सपेंसिव भी। अभी मैं स्टेडलर की यूज़ कर रहा हूँ जो कि महंगी वाली है, एंड इसके बाद यूज़ करेंगे चीप वाली जो कि कैमलिन की है। तो ये काफ़ी बढ़िया मिक्स हो रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इससे हम काफ़ी बढ़िया यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में। सो गाइज़, ये हैं ऑयल पेस्टल्स जो कि मैं अब अपनी ड्राइंग्स में यूज़ करूँगा आगे से। आने वाली वीडियोस में फेस भी ट्राई करेंगे इससे। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक माय वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।